कि श्री रामचंद्र जी को ये लोग स्वागत में भी खूब गाली दिए थे। पहुना के लिए सब चिल्लाए हैं, पहुना के लिए आए हैं, बाबू के लिए दाढ़ी भी लाए हैं और मूछ भी लाए हैं। बताइए, राम जी के पिताजी के लिए दाढ़ी मूछ भी आया हुआ है? हम लोग जो है उनको भी गाली देते हैं, कहा कि वो बहनोई है। ससुराल वाले यहाँ यही कहेंगे, गाड़ी से हम लोग स्वागत कर रहे हैं। सिया जी बहनिया हमारा हो, राम लगी है पहुने माई। दोबारा बाबरी बनाएंगे इंशाल्लाह। बाबर तो चला गया, लेकिन बाबर का जीन उस साले में घुसा हुआ है। थलांचल के जो लोग हैं उनके वहाँ भोज में रसगुल्ला बड़ा प्रचलित है, तो वो सब भी आया है बाहर शहर में। बहुत कुछ आया है, रसगुल्ला, चांदी का धनुष। हम लोग माना किए हैं, अगर माना नहीं करते ना तो आपका यहाँ कम से कम रखने का जगह नहीं होता। कम कितना डाला है? गिनती नहीं, हजार होगा, चार पांच तो ट्रक है। तीमन तरकारी, कपड़ा लत्ता। पक्षी पार्टियों को बुलाया गया, वो लोग मना कर रहे हैं आने। मना करेंगे ही, क्योंकि उनको राम नहीं ना भाते, उनको रावण भाते। वैसे कुत्ते लोग का क्या बात करते है? क्या क्या आया है मिथिलांचल से जरा बताइए बाबा। ठेकुआ चिवड़ा सब आया है, गहना भी आया है। अच्छा। हाँ, बर्तन, चांदी का बर्तन आया है। राम जी के लिए कपड़ा, धोती, गमछा और सब चांदी का बर्तन सब आया है। चांदी का माछ है, चांदी और सोना का तीर धनुष है। तो देखिए, मिथिलांचल से कई महिलाएं आई हुई हैं और मिथिलांचल की एक बहुत अच्छी प्रथा है कि श्री रामचंद्र जी को ये लोग स्वागत में भी खूब गाली दिए थे और आज आ गए आप, ससुराल वाले आए हैं, तो क्या कहेंगी? ससुराल वाले यहाँ यही कहेंगे, गाड़ी से हम लोग स्वागत कर रहे हैं। अच्छा। कौन गीत से गाड़ी सुनाएंगे? राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ बबुआ देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगबा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राजा दशरथ के कलन होशियारी, राजा दशरथ जी कलन होशियारी, लगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। देखा में पातर छीतर है बड़ा डारी, देखे में पातर छीतर लंबा लंबा दाढ़ी, खाला जा बैठला न भर भर थारे, बता द बबुआ लगवा देत काहे गारे, बता द बबुआ। एक और गीत मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा, बड़ा फेमस गीत है मिथिलांचल का, कि सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगथिन पहुनवा। तो एक बार वो जरूर सुना दीजिए दर्शक। सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगी है पहुने माँ, सिया जी बहिनिया जी बहनिया हमार हो, राम लगी है पहुने माँ। मतलब नेपाल में भी मोदी योगी के चर्चे? एकदम एकदम, उसमें कोई बात नहीं है। अब बच्चा से भी पूछेंगे ना मोदी योगी। हम लोग उनके नाम का माला जपते हैं रोज प्रतिदिन, मोदी योगी के नाम का माला जप। थलांचल के जो लोग हैं उनके वहाँ भोज में रसगुल्ला बड़ा प्रचलित है, तो वो सब भी आया है बाहर शहर में। बहुत कुछ आया है, रसगुल्ला, चांदी का धनुष। हम लोग माना किए हैं, अगर माना नहीं करते ना तो आपका यहाँ ये जो कम से कम रखने का जगह नहीं होता। मतलब इतना सनेश आया कि रखने का जगह नहीं मिलता और आधा छोड़ के आना पड़ा? आधा नहीं, तीन छोड़ के आए हैं, एक हिस्से लेके आए हैं, ये मात्र आए हैं, 1% लेके आए हैं, 99% जनकपुर में अपने अपने घरों से बना। जी जी, ठेकुआ, पिरुकिया, खाजा, गाजा, सारा चीज बना के हम लोग उनके लिए लेके आए हैं, राम जी के लिए। जी, जो नहीं है चकला, तावा, कुकर, कराही, सब सब छोड़िए, पान, मखान, माछ आया है? बाबू तो जरूर, पान, मखान और बहुत, दौड़ी तिलौड़ी सब दिए हैं। अच्छा। और राम जी का आभूषण, चरौरियो बना लेते हैं, राम जी का आभूषण भी दिए हुए हैं। बाबू के लिए चरौरी बना के लाए हैं और सामानों का राम जी बाबू के लिए हैं, पहुना के लिए सब चिल्लाए हैं, पहुना के लिए आए हैं, बाबू के लिए दाढ़ी भी लाए हैं और मूछ भी लाए हैं, पगड़ी भी लेके आए हैं।
बताइए राम जी के पिताजी के लिए दाढ़ी मूछ भी आया हुआ है? नहीं, दाढ़ी मूछ आया हुआ है, उनका स्वागत। बात बताइए, मंदिर दर्शन करने के लिए 22 जनवरी तक यहाँ रुकने वाले हैं? नहीं नहीं, नहीं रुक सकते, क्योंकि हम लोग सिर्फ उनको, हम लोग जानकी मंदिर में हम लोग का भी वहाँ पर अति करना है, वहाँ पे भी दिवाली तो मनानी होगी, उसी के चलते हम लोग चल जाएंगे। घर घर दीपावली मनेगा उस रोज भाई जी, 1,00,000 दीप जलेगा वहाँ जानकी मंदिर में, 1,50,000 दीपक वहाँ जलेगा जानकी मंदिर में। तो यहाँ पर तो सब जलाने वाले हैं, हम मिथिलानी वहीं पर, इसलिए पहले राम जी से यहाँ से मुलाकात करके जाएंगे, फिर अपना मिथिला में ही जय जयकार वहीं पर कर लेंगे, क्योंकि दोनों जगह भीड़ नहीं करनी है, कम से कम मर्यादा में रहना है। तो मर्यादा अगर किसी को देंगे तो पहले अपने मर्यादा में रखने, 22 तारीख को नहीं। बात बताइए, कई लोग है जो पूरे देश भर से, बल्कि आप लोग जहाँ नेपाल से हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और वहीं कई लोग जो है उन्हें अगर निमंत्रण पत्र भेजा भी गया है वो लोग नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या कहेंगे? भाग में नहीं लिखा है भाई, सबको भाग में राम सुकान लिखा हुआ है, घर पक्षी पार्टियों को बुलाया गया, वो लोग मना कर रहे हैं आने। मना करेंगे ही, क्योंकि उनको राम नहीं ना भाते हैं, उनको रावण भाते हैं, तो रावण को पूजा कर रहे हैं, तो राम को पूजा कहाँ से करेंगे? वो तो राम को पूजा करने में नहीं आ सकते, न्योता में खिलाफ करने वाला जिंदगी उसका बीत जाएगा बुराई माँ, फिर कभी वो सच में नहीं आएगा और राम के सामने भी नहीं आ सकते हैं, उसका सर झुका रहेगा और झुका रहेगा। श्री रामचंद्र जी के ससुराल से कई लोग यानी कि नेपाल से आए हैं, जनकपुर से, और वो अपने साथ में भार सामग्री भी लेके आए हैं, और यहाँ पर कई लोग उनके ससुराल से आए हुए और गीत वीत गा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पुष्पा देवी। क्या कहना चाहेंगी? श्री राम जी अब वापस पधार रहे हैं अयोध्या में, हो रहा है श्री राम जी के इतना दिनों के बाद यहाँ पे भव्य मंदिर बन रहा है, और भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है, बहुत खुशी लग रहा है, हमारे सीता माता को अपना घर मिल रहा है और उनका अपने रहने के लिए स्थान मिल रहा है, बहुत अच्छा खुशी लग रहा है हम लोग को। तो इतनी दूर से इतना श्री राम और माँ सीता के लिए जज्बा है कि यहाँ तक आ जी, अपने सीता माता के लिए हम लोग आए हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए भी आए हैं। तो कोई गीत वीत तो सुनाना चाहिए, क्योंकि मिथिलांचल में तो बड़ा रिवाज है गीत गारी वारी वाला, मतलब बड़ा चलता है। महादेवा अंगन लिपाई गजमतिया हो महादेवा चौका पुराई। राम जी के लिए कपड़ा धोती गमछा और सब चांदी का बर्तन सब आया है, और सब संहार का सामान आया है, साड़ी आया है, फल फूल आया है, मेवा मिष्ठान सब चीज आया है, जो जो बिट्टी को दिलाता है अपने घर से वो सब चीज हम लोग लेके आए हैं। तो मतलब वो प्रथा अपने माँ सीता के लिए भी उतने ही अच्छे तरीके से निभाई है, हम लोग के सब घर की बेटी के लिए है, जो माता सीता हम लोग घर की बेटी है, हम लोग के देश की, नेपाल देश की बेटी है। ऐसे ही थोड़ी मिथिलांचल में कहा जाता है, सिया जी बहिनिया हमार हो राम लगतिन पहुनवा है, इतनी दूर से आप लोग आ रहे, क्या कहना चाहेंगे सर? माथ पे दौरा हो रहा है एकदम लेके, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने समय बाद श्री रामचंद्र जी दोबारा अयोध्या आए हैं, जैसे उनका मंदिर इतने मुश्किल से बना है 500 सालों के संघर्ष के बाद, उनके नगरी में आकर भीतर से दूसरा ही हो रहा है, अच्छा अद्भुत हो रहा है, अच्छा लग रहा है। जो पहले परंपरा था आज भी है, अपने माँ बहन बेटी के पास जो सनेस लेकर, बाइन लेकर, पकवान लेकर, आज ये पूरे गाड़ी में भर भर के लेकर हम लोग भी आए। कम कितना डाला आया होगा? गिनती नहीं, हजारों होगा, चार पांच तो ट्रक है, उस ट्रक में छिपे का थाल बर्तन फुलाहा और तम्मे पीतल का स्टील का जो भी है हो सका है, पहले अपने माता पिता। क्या क्या आया है मिथिलांचल से जरा बताइए बाबा? हर चीज आया है, फल मुन आया है, पंचमेवा आया है, ठेकुआ चिवड़ा सब आया है, गहना भी आया है, हाँ बर्तन चांदी का बर्तन आया है, चांदी का धनुष भी आया है राम जी के लिए, हाँ तीर धनुष भी चांदी का, हाँ ओढ़ना बिछावना सब राम जी का आया है। मिथिलांचल की एक बात बड़ी कही जाती है कि पान मखान माच बड़ा चलता है, क्या कहेंगे लाए हैं वो? हाँ सब आया है, पान मखान भी आया है, हाँ माछ लाना तो उतना दूर से संभव नहीं होगा। चांदी का माछ है, चांदी का माछ लेकर के आए हैं। अच्छा, चांदी का माछ? चांदी का माछ है, चांदी और सोना का तीर धनुष है, पान है, मखान है, मतलब घर भाड़ा का सामान है, बारह बर्तन, गैस चूल्हा, तीमन तरकारी, कपड़ा लत्ता, मर आज मिठाई लाए हैं, फल फूल लाए हैं, घर का जो नया घर गृह प्रवेश में जितना सामान होता है वो सब लेकर के आए हैं, क्योंकि 500 बरस से हमारे प्रभु श्री राम का वनवास हो गया था, वनवास से लौटे हैं। अयोध्या वासी और जनकपुर वासियों का एक बड़ा प्यारा रिश्ता है,
गाली वाली भी खूब सुनाया जा। हाँ हम लोग जो है उनको भी गाली देते हैं। हाँ हम लोग जो हमको भी लोग गाली देते हैं, कहे कि वो बहनोई है, हम उनके साले हैं, तो गाली आदान प्रदान होते रहता है हम लोग के साथ। हाँ राम जी को भी जीजा साले का रिश्ता है, साला का आज भी इतने पीढ़ियों जी जी बरसों से चले आए हैं। रोटी बेटी का संबंध है, इसलिए तो कहा जाता है कि भारत नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है। तो बरसों से चले आ रहे, कोई यूनिक बात नहीं है, बरसों का नाता है, बरसों से संबंध है। नेपाल के लोग भी मोदी योगी जी का जा, अरे उनका तो देन है, वो मोदी नहीं है, उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र का मतलब है कि नर में इंद्र, वही उत्थान किए हैं, वो मानव नहीं है, वो तो ईश्वर का अवतार है, और योगी जी तो हनुमान जी हैं। रे सदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि कुछ समय बाद मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे। वैसे कुत्ते लोग का क्या बात करते हैं, जो तुष्टिकरण का राजनीति करता है उसका बात क्या करते हैं, जो एक चंद समुदाय को लेकर चलता है उसका बात क्या करते हैं। वो कुत्ते लोग का बात छोड़ दीजिए, रुके रुलू कह रुका, योगी मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम। बात बताइए, एक बात बताइए, कई मौलाना चिश्तियों का बयान है कि आज नहीं तो 100 साल बाद हम वो मंदिर दोबारा से ध्वस्त करके वहाँ पे दोबारा बाबरी बनाएंगे इंशाल्लाह। रे उस साले लोग को समझना चाहिए कि बाबर तो चला गया, लेकिन बाबर का जीन उस साले में घुसा हुआ है। अच्छा। उसका खून में घुसा हुआ है, वो समझ नहीं रहा है कि वैसा आता ताई कब जाएगा, कहाँ जाएगा। उस साले सबको छोड़ दीजिए, क्या गंदा मुंह करवाते हैं, नहीं करना चाहता। आज के हर्षोल्लास में यही कहिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ससुराल से आप लोग आए हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि उतनी दूर से यहाँ तक चले आना, कैसे मतलब आप कहीं ना कहीं देखिए करीब यहाँ से 800 किलोमीटर पड़ता है जनकपुर, और ऐसे में इतना प्रेम और इतना उल्लास कैसे उपज आया, वो भी पीढ़ियों के बाद या सालों के बाद नहीं, युगों के बाद। कहा वो जमाना था आज और आज ये कलयुग चल रहा है। मैंने सहज लहजे में कह दिया कि परंपराओं से रोटी बेटी का संबंध है, तो इतना प्राराध्य घना संबंध और बरसों से जो संबंध है वो कैसे खत्म हो सकता है। वो तो और एक दूसरे में जो है और मजबूत हो गया है। अच्छा। और बरसों तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, जब तक ये राम मंदिर और जानकी मंदिर रहेगा तब तक अनंत काल तक, बरसों बरसों युगांतर तक ये संबंध रहेगा। जय श्री राम, जय। चलिए एक बारी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप चारों तरफ देखिए कि कितने सारे लोग वहाँ नेपाल से आए हुए हैं। तो मिथिलांचल में जैसे लाल कपड़े में बांध करके भेजा जाता है, भार जिसे हम लोग कहते हैं, सनेस कहते हैं, वो सब कुछ बड़े ही अच्छे तरीके से ये लोग लेकर के आए हैं। बाकी आपका क्या कहना है इन लोगों को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।